हेलो एवरीवन एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल डिस्कवरिंग नॉलेज। एंड आज के अपनी वीडियो में अपन करने वाले हैं क्लास 6 का नोइंग अवर नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4, व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज 1.1। सो लेट्स सी, अपने क्वेश्चन 4 में दे रखा है कि Insert comma suitably and write the names according to international system of numerations. That means कि अब अपन को क्या करना है, इसमें अपन को commas लगाने हैं and इसमें number names लिखने हैं अपन को, but किसके according? International system of numerations के according। Last time अपन ने लिखे थे ये Indian system के according, अब अपन लिखेंगे international system के according। So let's see। अब अपन को ए में दे रखा है 7892102। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कॉमास पुट करेंगे। सो पहले अपन 3 डिजिट जो दे रखी है लास्ट की 290, उसके यहाँ पे लगेगा एक और एक कॉमा लगेगा फिर से 3 डिजिट्स के आगे, दैट मीन्स 129 और यहाँ पे। तो ये लग चुके हैं हमारे दो कॉमास। अब अपन देखते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे अपन नंबर नेम में। तो सबसे पहले अपन को दे रखा है 78 के बाद में कितने है ना डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स दे रखी है एंड 6 जीरोस किस में आते हैं अपने मिलियन में, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो अपन लिखेंगे इसे 78 मिलियन। नाउ 921, दैट मीन्स 921, उसके आगे कितने डिजिट्स है, 1 2 3, दैट मीन्स 1000। तो अपन क्या लिखेंगे, 921,000। नाउ लास्ट में अपने पास कितने डिजिट्स बचे, 2, विच इज 92। तो अपन इनको लिख देंगे 92। सो कैसे होगा अभी पूरा एक बार रिवाइज करते हैं। पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लग जाएगी, फिर से 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लग जाएगी, देन इसका अपन जब नंबर नेम लिखेंगे तो वो कैसे होगा, 78,921,092। नाउ लेट्स सी द बी पार्ट। बी पार्ट में दे रखा है अपन को 7452283। दैट मीन्स सबसे पहले कॉमाज लगाएंगे 3 डिजिट से पहले, दैट मीन्स 382 से पहले, देन अपन लगाएंगे 254 से पहले कॉमा। ओके, 3 डिजिट्स हो गई। अब अपन देखते हैं इसको नंबर नेम में कैसे लिखेंगे। पहले 7 के बाद कितने डिजिट्स है ये काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 है, दैट मीन्स कि अब अपन देखते हैं 6 किस में होता है, जीरोस मिलियन में। तो अब अपन लिखेंगे इसमें 7 मिलियन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट 452, दैट मीन्स 452। अब 452 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3, 3 डिजिट्स 3 जीरोस किस में होते हैं, 1000 में। तो वी विल राइट इज एज 7,452,000, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट 3 डिजिट्स व्हिच आर 283, एंड 283 को अपन कैसे लिखेंगे, 283। सो 283, सो दिस विल बिकम 7,452,283। नाउ लेट्स कम टू द सी पार्ट। सी पार्ट में अपन को दे रखा है 9998,510,02। इसमें भी अपन वही करेंगे, 3 डिजिट्स छोड़ के पहले कॉमा लगाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे कॉमा लगेगा 201 से पहले, देन 589 से पहले कॉमा लगेगा, उसके बाद में 99 एज इट इज रहेगा। अब अपन देखते हैं इसको नंबर नेम में कैसे लिखेंगे। जो 99 है पहले अपन उसका देखते हैं, 99 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, एंड 6 जो जीरोज होते हैं वो कौन से उसमें लगते हैं, मिलियन में लगते हैं 6 जीरोस। तो दैट मींस कि ये हो जाएगा 99 मिलियन। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट, 985 को कैसे लिखेंगे अपन, 985, एंड इसके बाद में कितनी डिजिट्स है, 1 2 3, एंड 3 डिजिट्स मीन 3 जीरोस, दैट मींस 1000। तो ये हो जाएगा 985,000। उसके बाद में 102, दैट मींस इट विल बिकम 102। सो वी विल राइट इज राइट द होल सी क्वेश्चन एज 99,955,102। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट। नाउ लेट्स सी द लास्ट पार्ट डी, विच इज 4804981। सबसे पहले कॉमास लगाएंगे 3 डिजिट्स से पहले, दैट मीन्स 138 से पहले, दैन 940 से पहले, ये लग चुके हैं अपने जीरोस। नाउ लेट्स सी नंबर नेम में अपन इसे कैसे लिखेंगे।
4 8 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 और 6 जीरोस लगते हैं मिलियन में, सो वी विल राइट इट एज 48 million. नाउ 049 दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 49 और इसके बाद कितने हैं अपने पास में डिजिट्स, 3, दैट मीन्स 3 जीरोस किस में लगते हैं, 1000 में, सो इट विल बिकम 48,000. एंड लास्ट में अपने पास क्या रखा है, 831 विच इज 831. सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 4. एंड अब अपन कल से शुरू करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1. थैंक यू सो मच.